किसानों के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अपना इलाज करा रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह कोरोना संक्रमण के कारण गुरुवार को आर्टिमिस अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार को चौधरी अजीत सिंह ने सुबह 8:20 पर अंतिम सांस ली। 20 अप्रैल को उनकी कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना संक्रमित होने पर चौधरी अजीत सिंह का उपचार गुरुग्राम के अस्पताल में किया जा रहा था। बीते दिनों में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर निर्भर रखा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बागपत से पूर्व सांसद थे। पंचायत चुनाव में इस बार उनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस पर गहरा शोक जताते हुए ट्वीट किया कि किसानों और मजदूरों के मसीहा पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी का आकस्मिक निधन अपूरणीय क्षति, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।